रंगों का त्यौहार होली बाजार को भी अपने रंग में रंगने लगा है। कसरावद में होली के रंगों से दुकानें भी पूरी तरह से गुलजार हो रही है। होली की उमंग और होली के रंगों बाजारों में भी होली की तैयारियां जोरों पर दिख रही है। गुरुवार को होली का दहन और शुक्रवार को रंग होगा। घरों से लेकर बाजारों में होली की तैयारियां जोरों पर हैं। नगर के जय स्तंभ चौराहा, शिवाजी मार्ग आदि स्थानों पर दुकानों के बाहर पिचकारियां होली के रंग सजने लगे हैं। इसी होली पर्व के मौके पर एसडीएम संघ प्रिय और नगर परिषद सीएमओ संजय रावल द्वारा अपने संदेश में नगरवासियों को बधाई देते हुए पर्व को शांति से मनाने की बात कही। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। आज है होली है, कल धुलंडी है, होली की ग्राहकी कैसी चल रही है अभी? होली की जोरदार इस बार ग्राहकी है। दो साल से कोरोना और लॉकडाउन कारण लोग काफ़ी मायूस थे, पर इस साल कोरोना और लॉकडाउन नहीं होने से लोगों को बहुत गुस्सा है और इस साल जोरदार बिक्री चल रही है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? होली भाईचारे और सद्भाव के साथ मनाएं। होली पर हिंदू मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एवं धुलंडी पर्व को लेकर बधाई संदेश देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप सभी के माध्यम से आगामी आने वाले त्योहारों के लिए होली के पर्व पर पूरे कसरावद वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सभी हमारे कसरावद वासी शांतिपूर्वक सौहार्द के साथ और बहुत ही मिलनसार के साथ एक अच्छे खुशहाली के साथ होली का त्यौहार मनाएंगे और अच्छे से कसरावद में सभी जो प्रशासन का सहयोग करेंगे और घर परिवार में खुशियाँ लाएंगे। ओके, उस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? होली पर्व पर मैं हमारे नगर के समस्त वासियों को, प्रदेशवासियों को, साथ ही समस्त देशवासियों को होली धुलंडी एवं रंग पंचमी की हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही पब्लिक वेव चैनल के हमारे भी जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मैं होली धुलंडी और रंग पंचमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सर, इसमें गेर भी निकाली जाएगी नगर परिषद की तरफ से? चूँकि पूर्व वर्षों में जब परिषद का गठन हुआ था उस समय यहाँ पर गेर निकाली जाती थी। अभी शांति समिति की जो बैठक आयोजित हुई थी उसमें शांति समिति के सदस्य और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे उन लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया है कि 22 तारीख को गेर पूर्व वर्षों के अनुसार निकाली जाए। इसी के तारतम्य में नगर परिषद के द्वारा 22 तारीख को प्रातः 10 बजे गेर का आयोजन रखा गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे नगर के समस्त वासियों से निवेदन करूंगा कि प्रातः 10 बजे 22 तारीख को नगर पालिका प्रांगण में पधार करके नगर पालिका की गेर को सफल बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।